वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका हॉस्ट ज़ाहिद इकबाल। आप देख रहे हैं धूम प्लस न्यूज़। आज हम आए हैं, एक डॉक्टर साहब हैं उनके पास, तो आज हम बात करेंगे उनसे। जी डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? माय नेम इज़ डॉक्टर अहमद जैन। जी डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताएं कि थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेनी थी कि ये जो फॉर एग्ज़ाम्पल घरों में नाचाकी पैदा होती है, ये हमने देखा कि घरों में तलाक़ें तक हो चुकी हैं, इसका जो रीज़न है वो ये है कि आपस में मियां बीवी जो है वो हमांगी नहीं होती, उनकी ज़हनी सेटिस्फिकेशन नहीं होती, या कि उनकी कोई प्रॉब्लम है, कोई पेचीदा मराज है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखे कि औलाद का होना ना होना वो किसी इंसान के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो अल्लाह ताला की देन है। तो लड़ाई है, झगड़े, ये वो, इसका जो इशू है, मेन रीज़न क्या है, ये बताएं कि क्या वजह है। जी अच्छा, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आज आप हमारे ट्रू लेने के लिए आए। तो अच्छा, उसमें डिफरेंट चीज फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं कि घरों में ना चाकियाँ और जो अदम बर्दाश्त का ताबून हमारे में पैदा हो चुका है, स्पेशली न्यू मैरिड जो जोड़े हैं उनके अंदर। उसके लिए सबसे है कि बर्दाश्त का जो आंसर है वो सबसे ज़्यादा पहले होना चाहिए, क्योंकि एक लड़की अपना घर बार, फैमिली, बहन भाई, वालदैन छोड़ के किसी दूसरे घर में ब्याह के जाती है किसी लड़के के पास, सारी ज़िंदगी का उसने फैसला किया होता है कि ज़िंदगी मैंने इस लड़के के साथ, किसी मर्द के साथ गुजारनी है। तो सबसे पहले तो जी हमारे अंदर बर्दाश्त का जो एलिमेंट है वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए। उसके अलावा जी अंडरस्टैंडिंग मेन चीज़ है कि लड़का और लड़की के आपस में अंडरस्टैंडिंग होना लाजमी है, ताकि ज़िंदगी को बड़े खुशाइन तरीके से गुजार सकें वो, और तमाम ज़िंदगी के मामलों में एक दूसरे के साथी बन के, एक दूसरे के साथ हम आहंगी से तमाम मामलों उनको ले सके चलें। इसके अलावा तमाम बहन भाइयों के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात कायम करने के लिए बर्दाश्त का जो एलिमेंट है वो सबसे बड़ा अहम किरदार अदा करता है इस मामले के अंदर। तो पेचीदा अंदाज जो है उनको, जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो कोई बता नहीं पाता, कोई मर्द या कोई लेडीज़ बता नहीं पाती, क्यों, तो क्या वो फैमिली का साथ उनको डिस्कस करना चाहिए या नहीं? अच्छा, उसमें डिफरेंट फैक्टर हैं। लोग बगैर किसी चीज़ को समझे, बगैर ही ऐसी अफवाहें पहले ही फैला देते हैं कि वक्त के साथ लॉन्ग टर्म बड़े ज़्यादा मामला लड़की के लिए स्पेशली डिस्टर्बिंग हो जाते हैं। तो उसमें यह है कि पहले तो आप अपने किसी कंसल्टेंट डॉक्टर से रजू करें, उसको डिस्कस करें सारे मामला वगैरह। और बहरहाल ऐसी साइंस टेक्नोलॉजी का दौर है, कोई भी ऐसा बीमारी या नहीं है जिसका इलाज नहीं है, बल्कि तो हर चीज़ का इलाज मार्केट में आ चुका है। डॉक्टर सर्टिफाइड, अब डॉक्टर से रजू करें, और होप्स हो इस तरह के मामला वगैरह भी रिजॉल्व हो जाएंगे, लॉन्ग टर्म इस तरह के मसले आपको नहीं पेश आएंगे। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।